मारा मारी माननीय अमित शाह जी ने उस दिन बताया कि पोरबंदर में तो कानून व्यवस्था जैसी चीज ही नहीं जी। जेल बंद करना पड़ गया था ऐसे अलग अलग गुजरात के इलाकों में जो चरमरा गई थी कानून व्यवस्था आज से 20-22 साल पहले उसको सींचा गया उस है उस पर मेहनत की गई है उस पर पूरी कश्मकश करके आज ये स्थिति हो गई कि आज रात को दो बजे तीन बजे भी बाहर जाओ फरसान खाने या ढोकला खाने या जलेबी घाटिया खाने।, जले खाने तो मुझे लगता है महिलाएं भी आपको दिखेंगी सब स्कूटी के ऊपर भी महिलाएं आपको रात को दो बजे गुजरात में कोई जगह पे चले जाओ दिखेंगी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई है जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं सुधरी हैं जो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है साबरमती फ्रंट ऐसा किधर देश में और देखने को मिला है क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों को लगा जैसे सिर्फ एक एक मीटर की विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू बनाई प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्पना थी ऑफ़ कोर्स सरदार पटेल को हमने साधुवाद करना है, उनकी उनको एक नमन करने के लिए उनकी उनको एक सही माने में श्रद्धांजलि देने का काम तो किया ही और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का कोई नेता आज तक केवड़िया जाके उस स्टैचू पे अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी है किसी लेकिन उस बात को छोड़ो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके माध्यम से एक पूरे इलाके को जो आर्थिक वृद्धि जो एक मौका दिया नए डेवलपमेंट का वहाँ होटल आ रहे हैं वहां पे टूरिस्ट लाखों करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं वहां मीटिंगे है हो रही है वहां अलग अलग प्रकल्प शुरू हो गए हैं साउंड एंड लाइट शो हो चाहे नेचर पार्क हो चाहे जंगल सफारी हो मैं मैं समझता हूँ जो पूरी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो वहां पे लगभग एक लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था क्रिएट कर देगी केवड़िया केवड़िया अकेले में तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच छोटी नहीं होती है वो ऑलवेज बड़ी सोच लेके चलते हैं। और गुजरात ने इसका लाभ आज इक्कीस बाईस वर्षो तक लिया है और आगे कई कई दशकों तक गुजरात मोदी जी का और मोदी जी की बड़ी सोच का लाभ आगे भी लेते रहेंगे आपने सौराष्ट्र का दौरा किया है आपने उत्तर गुजरात का दौरा किया है ये दोनों दो क्षेत्र ऐसे थे जो 2017 के विधानसभा चुनाव में वहां से आपको काफी कम सीटें मिली थी मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव तो है अब कुछ ही दिनों में मतदान भी होना है लेकिन वो पृष्ठभूमि नहीं बन रही है अभी भी और शायद यही वजह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको जो पहले गालियां दी गई थी या उनके बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए थे उन्हीं सारी चीजों को आज रिपीट कर रहे हैं देखिए जो सच्चाई है जिस प्रकार की राजनीति विपक्षी दलों ने चलाई है झूठ फरेब की राजनीति जिस प्रकार के झूठे वादों की राजनीति इसके बारे में जनता को अवगत कराना ये तो हमारा राजनीतिक काम है हम सब राजनीति से में काम कर रहे हैं और रही बात प्रधानमंत्री जी जो एक प्रकार से आज प्रदेश में जो लोकप्रियता रखते हैं उसको तो हम दिनों दिन देख ही रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रही है और लोगों का जुड़ाव है अब मैं जिस दिन सूरत था उस दिन मैंने न्यूज आर्टिकल देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कार्यालय कमलैन गए थे अब वहां पे वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा आंगन पे ही बैठ गए एक व्यक्ति को हर एक कार्यकर्ता को नाम से पहचान नाम से पूछ रहे थे घर में क्या चल रहा है भाभी कैसी है बच्चे कैसे जब वो जिस जिस इलाके में गुजरात में जाते हैं तो उनका जो प्यार उनका जो स्नेह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है सामान्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ है वो गुजरात की जनता कभी भूल ही नहीं सकती और वो जो प्यार का रिश्ता है प्रधानमंत्री मोदी जी का और गुजरात की जनता का वो जनता का वो जो अपनापन है वो अपने आप में परिवार के अपनेपन से भी ज्यादा है और वो अपने पन को लोगों ने कोई भी अशब्द इस्तेमाल कर ले कोई भी बुरी गाली गलौज कर ले कोई वो प्यार का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी जी का और गुजरात के नागरिकों का कोई उनसे छीन नहीं सकता ये झूठे